दक्षिण दिल्ली के मालवी नगर में बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर व यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ धन की हेरा फेरी की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारियां दी है। हाल ही में कांता प्रसाद के एक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साझा किए जाने के बाद वह काफी लोकप्रिय हो गए थे। वह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दुकान न चल पाने से आर्थिक तंगी को लेकर अपनी व्यथा बताई थी। उन्होंने यूट्यूबर वासन के सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो में अपने संघर्षों के बारे में बात की थी। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में प्रसाद ने कहा कि वासन ने उनका वीडियो शूट किया और इसे ऑनलाइन पोस्ट किया और सोशल मीडिया पर जनता को उन्हें पैसे देने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि वासन ने जानबूझकर केवल अपने और अपने परिवार व दोस्तों के बैंक विवरण और मोबाइल नंबर दानदाताओं के साथ साझा किए और शिकायतकर्ताओं को कोई भी जानकारी प्रदान किए बिना विभिन्न प्रकार के भुगतानों के माध्यम से दान की भारी राशि एकत्र की। बता दें कि बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद के यहां ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। वीडियो वायरल होने के शुरुआती दिनों में रोजाना 10 से 12 हजार रुपए की बिक्री हो रही थी, जो अब घटकर 3 से 5 हजार रुपए रह गई है। नवरात्र से पहले तक वह सारे खर्चे निकालकर रोज करीब 3 हजार रुपए कमा लेते थे, अब उनकी रोजाना की कमाई 1200 से 1500 रुपए रह गई है। तो पीपल्स, इस बारे में अगर और कोई अपडेट मिलता है तो हम आपको वो लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।